יותר מפעתי העיר, אנחנו מתקדמים, יש לנו גם מרגלות. Israel did not start this war. Israel did not want this war. But Israel will win this war. Israel will win this war. काले बोरे में भर देंगे इजरायली सैनिकों की लाशें। लगभग 30 दिन की जंग के बाद अब ऐसा लगने लगा है कि गाजा पट्टी में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। भले ही इजरायली सेना दावा करे कि उसने 4 हफ्ते से ज्यादा की जंग में हमास के 11,500 से ज्यादा टारगेट तबाह कर दिए हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में हमास इजरायली सेना को जबरदस्त टक्कर देने लगा है। 7 अक्टूबर से अब तक हमास के लड़ाके 338 से ज्यादा इजरायली सैनिकों की जान ले चुके हैं। हालात ये हो गए हैं कि 29 अक्टूबर से अब तक गाजा सिटी के अंदर 23 से ज्यादा इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इजरायली सेना और युद्ध सरकार दावा कर रही है कि हम हमास को हमेशा के लिए इतिहास बनाने जा रहे हैं। हम आपको गाजा सिटी से आ रही उन तस्वीरों और खबरों को दिखाने जा रहे हैं जो ये साबित कर रही हैं कि इजरायली सेना गाजा सिटी में महज 5 किलोमीटर लंबे इलाके में भयंकर खून खराबे के बीच फंस चुकी है। हम आपको ये भी बताएंगे कि अचानक हमास इजरायली सेना पर बंकर और सुरंगों से निकलकर कैसे हमला करने लगा है। खून पी रही है गाजा की 5 किलोमीटר जमीन। יש לנו הצלחות מאוד מרשימות, אנחנו בפרטי העיר עזה. प्रधानमंत्री बेनामिन नेतन्याहू लगातार अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। खबर आ रही है कि गाजा सिटी में 5 किलोमीटर अंदर इजरायली सेना ने भयानक हमले किए हैं। अकेले गाजा सिटी में ही हमास के 150 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। 36 घंटे पहले इजरायली वायुसेना के हवाई हमले में हमास की सेंट्रल जबालिया बटालियन के कमांडर इब्राहिम बियारी को मार गिराया है, जबकि उसके पहले हमास का एयर चीफ नेवल चीफ मारे जा चुके हैं। इधर जमीन पर जंग के हालात काफी हद तक बेहद खराब और खूनी हो चुके हैं। आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हगारी का दावा है कि आईडीएफ गाजा शहर में आगे बढ़ रही है। आगे आखिरी संदेश, हमास का करो सर्वनाश। יש לנו גם אבדות, אבדות כואבות, כי כל חייל שנופל זה עולם ומלואו, וליבנו מהמשפחות. אבל אני רוצה להעביר דבר אחד. ואמר את זה עכשיו אחד הלוחמים. שום דבר לא יעצור. बख्तरबंद डिवीजन के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इत्तेज़िक कोहेन का दावा, हम गाजा शहर के दरवाजे पर हैं। अब हमास के लड़ाकों से सीधी लड़ाई हो रही है। हमारे सैनिक हथियारों और एयरक्राफ्ट्स के जरिए हमास के कमांड सेंटर, लॉन्चिंग पोजीशन, सुरंगों और दूसरे ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומה של מערכה, כוחות האוגדה נמצאים בעומק הרצועה על שערי העיר עזה. אנחנו נמצאים על שערי העיר עזה. अब अगर हमास के दावों की बात करें तो जमीन पर वाकई में हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना को चौंका दिया है। जिस बड़े पैमाने पर इजरायली सेना ने पूरी तैयारी के साथ हमला किया है,
उसे देखकर ऐसा लगता है कि इजराइल की आईडीएफ आसानी से हमास को सुरंगों में घुस घुस कर तबाह कर देगी। हमास के 3000 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं, जबकि ऐसा अनुमान है कि 2500 के करीब हमास लड़ाकों को इजरायली सेना ने सुरंगों में ही जिंदा दफन कर दिया है। खून पी रही है गाजा की 5 किलोमीटर जमीन, लेकिन दूसरी तरफ ईरान और लेबनन से मिले बेतहाशा हथियार हमास के लिए ऑक्सीजन बन चुके हैं। इजरायली हवाई हमले में भले ही 35,000 से ज्यादा इमारतें इजरायल ने तबाह कर दी हों, लेकिन जमीन पर आम फिलिस्तीनी और गाजा समर्थक मारे जा रहे हैं, जनाजों के साथ भागती भीड़ जिहादी नारे हमास के लड़ाकों को और ज्यादा भीषण जंग के लिए उकसा रहे हैं। कुछ वीडियो तो ऐसे हैं जहां हमास के लड़ाकों ने अजेय समझे जाने वाले इजरायली टैंकों पर हाथ से रॉकेट और बम से धमाका करते हुए देखा गया है। लेबनन में बैठे हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक ऐसा बयान दिया है जो साबित करता है कि इजरायल को गाजा पट्टी में अभी सैनिकों और हथियारों का भारी नुकसान होने जा रहा है। हमास प्रवक्ता ने साफ कहा है कि जिस तरह से 7 अक्टूबर को इजरायल में भयानक और खूनी हमले हुए थे, ठीक उसी तरह से हमास गाजा सिटी में इजरायल को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। काले बोरे में भर देंगे इजरायली सैनिकों की लाशें। हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड ने इजरायल को खूनी चेतावनी दी है, उसके सैनिक काले बैग में घर जाएंगे। अबू उबैदा ने साफ कहा है कि गाजा पट्टी इजरायली सैनिकों के लिए कब्रिस्तान साबित होगा और इजरायल की हर सैनिक की लाश को हमास काले बैग में भरकर भेजेगा। हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने धमकी दी है कि गाजा इजरायल के लिए इतिहास का सबसे बड़ा श्राप साबित होगा। हमास के इस धमकी को इसलिए बहुत गंभीर माना जा रहा है क्योंकि हमास ने जमीनी जंग में इजरायल को भारी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। हमास के दावों के मुताबिक इजरायल के 6 से ज्यादा बेहतरीन टैंकों को हमास ने तबाह कर डाला है, जबकि 23 से ज्यादा इजरायली सैनिकों के मरने की बात खुद इजरायली रक्षा मंत्रालय मान चुका है। इजरायली रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध को सबसे जटिल बताया है। गैंट्स ने साफ कहा है कि युद्ध इजरायल की तुलना में अधिक जटिल है। אני רוצה להביא הערכה רבה לביצוע של הכוחות. יש הישגים חשובים מאוד בשטח. פוגעים במחבלים בכל הדרגים. מאלה שנלחמים בשטח ועד דרג המפקדים. הפעולה של צה"ל מביאה לחשיפת המנהרות, ליציאה של מחבלים החוצה ולמכות קשות שהם סופגים. לצערנו יש גם מחירים בצד שלנו כפי שקורה. आखिरी आदेश, हमास का करो सर्वनाश। इधर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने फिर डंके की चोट पर कहा है कि हम गाजा शहर में पहले ही घुस चुके हैं, अब हमें कोई नहीं रोक सकता है। हमारी पूरी कोशिश है कि जंग में फिलिस्तीनियों की मौत ना हो, लेकिन हमास के लड़ाके उनके बीच में घुसे हुए हैं, उनके घरों के नीचे सुरंगें बना ली हैं। ऐसे में कुछ जगहों पर फिलिस्तीनियों के होने के बावजूद इजरायल हमला करने को मजबूर हो रहा है। यही वजह है कि हजारों फिलिस्तीनी और हमास समर्थक गाजा और वेस्ट बैंक में मारे जा रहे हैं। وهو يعرف أنه يكذب لكنه يريد أن يستخدم ذلك لعدوان جديد على المستشفيات كالعدوان الذي وقع على المستشفى المعمداني. गाजा में मौजूद 35 अस्पतालों में से 16 अस्पताल फ्यूल यानी ईंधन की कमी की वजह से बंद हो चुके हैं। इजरायली सेना का दावा है कि हमास अस्पतालों का ईंधन लूट रहा है। हमास के पास 5 लाख लीटर ईंधन होने का दावा किया गया है। दावा तो यहां तक किया गया है कि हमास सुरंगों से ईंधन को पेट्रोल बम की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इजरायल के डिफेंस फोर्सेज ने गाजा में हमास की सुरंगों को तोड़ना शुरू कर दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमास की सुरंगों को फिलहाल गाजा के उन इलाकों में तोड़ा जा रहा है जो इसराइल के कब्जे में है। इन्हें तोड़ने के लिए इजरायली इंजीनियर्स विस्फोटक और रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आईडीएफ की सदन कमांड के हेड ने दावा किया है कि हम हमास की सुरंगों पर हमला कर रहे हैं, हम सुरंगों की एंट्री बंद कर रहे हैं,
हमास के कमांडरों को अंदर ही दम घोंट कर मार रहे हैं। IDF के मुताबिक हमास की टनल अब हमास लड़ाकों की कब्र बनती जा रही है। अब देखना होगा कि अगले 12 से 24 घंटे के अंदर गाजा की जमीन पर इजरायली सेना हमास के लड़ाकों को कैसे हराती है।